हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल और हमारा कोर्स चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23 और टॉपिक का नाम है डू व्हाइल लूप। तो अब तक हम व्हाइल और फॉर लूप पढ़ चुके हैं, आज सी प्रोग्रामिंग की लास्ट लूप दैट इज डू व्हाइल लूप हम पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। तो अब तक आपने लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट आपने पढ़ा व्हाइल लूप्स आर रिक्वायर्ड, कि लूप्स की जरूरत ही क्यों है। होपफुली वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई पॉइंट आउट डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। उसके बाद हमने पढ़ा था मेन फोर पार्ट्स ऑफ ए लूप कौन कौन से होते हैं, मतलब आपको पता है कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक चलना है, क्या करना है और कैसे चलना है। तो ये चार बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ी थी फर्स्ट टाइप ऑफ लूप दैट इज व्हाइल लूप, होपफुली उसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंडली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी फोर लूप, तो फोर लूप और व्हाइल लूप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। फोर लूप में आपके इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और अपग्रेडेशन जो है वो एज ए सिंगल स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और व्हाइल लूप में वो एज ए थ्री सेपरेट स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो फोर लूप जो है वो कंपैरेटिवली रीडेबल है। उसके बाद लास्ट आज का टॉपिक है डू व्हाइल लूप, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप जो है वो लास्ट टाइप ऑफ लूप है इन सी प्रोग्रामिंग, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। स्टिल को पॉइंट ऑफ डाउट बचेगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो आदत बनाइए अपने डाउट पूछने की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ डू व्हाइल लूप, इट इज ए पोस्ट टेस्टेड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जो आपके डू व्हाइल लूप है वो पोस्ट टेस्टेड लूप है। इसका मतलब क्या होता है? मींस कंडीशन विल बी चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इटरेशन, मतलब हर लूप बॉडी के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, लूप बॉडी चलने से पहले आपकी कंडीशन चेक नहीं होगी। जस्ट लाइक पोस्टपेड कनेक्शन, पोस्टपेड कनेक्शन में आप पहले जितना भी यूज कर सके मोबाइल को उतना करते हैं, उसके बाद आप फाइनली उसका बिल पे करते हैं जितना भी बिल आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर यूजेस। तो यही सबसे खास बात है डू व्हाइल लूप की, कि यहां हर इटरेशन के बाद आपकी कंडीशन जो है वो चेक होती है, अनलाइक व्हाइल एंड फॉर लूप्स। तो आपको पता है व्हाइल और फॉर लूप जो है उसमें कंडीशन आपकी लूप चलने से पहले चेक होती थी, मतलब दे वर प्री टेस्टेड लूप्स, बट डू व्हाइल लूप इज वन एंड ओनली पोस्ट टेस्टेड लूप अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, डू व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो डू व्हाइल लूप जो है वो कम से कम एक बार चलेगी चलेगी। क्यों एक बार चलेगी? आपको पता है डू व्हाइल लूप क्या है, पोस्ट टेस्टेड लूप है। कंडीशन कब चेक होगी? लूप चलने के बाद, मतलब एक बार तो लूप चलनी ही चलनी है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन दोबारा ट्रू हुई तो दोबारा लूप चलेगी, अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में फॉल्स होगी तो दोबारा लूप नहीं चलेगी, बट कम से कम एक बार तो लूप चली गई। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट डू व्हाइल लूप। तो अगर प्रोग्रामिंग में आपको ऐसे कोई कंसेप्ट की जरूरत है कि आपको कम से कम वो एक बार जरूर चलाना है, मतलब एक बार तो जरूर रिपीट करना है, तो हमेशा आप यूज करेंगे डू व्हाइल लूप। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट है, आपको पता है कीप ऑन इटरेटिंग द डू व्हाइल ब्लॉक टिल द डू व्हाइल कंडीशन इज सेटिस्फाइड मींस ट्रू। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप चलती रहेगी, बट कम से कम आपकी लूप एक बार तो जरूर चलेगी। तो इस स्लाइड में मेनली आपको क्या क्या पता लगा? फर्स्ट, ये एक पोस्ट टेस्टेड लूप है, पोस्ट टेस्टेड लूप होने की वजह से कंडीशन बाद में चेक होगी, तो कंडीशन बाद में चेक होने की वजह से कम लूप एक बार जरूर चलेगी। तो यही सबसे मेन बात है इस पूरी स्लाइड में। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इसका सिंटेक्स, तो सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। अब आपको पता है कि किसी लूप में चार चीजें जरूरी होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, टास्क टू परफॉर्म और अपग्रेडेशन। कंडीशन इसमें बाद में चेक होगी, तो सबसे पहले होगी इनिशियलाइजेशन। आपको पता है इनिशियलाइजेशन सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी लूप का, तो ऑब्वियसली इनिशियलाइजेशन एक ही बार करते हैं, तो इसलिए इसको लूप के बाहर लिखते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट आता है डू कीवर्ड, डू व्हाइल लूप है तो डू कीवर्ड है। उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, उसके बाद लूप बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आपने बार बार रिपीट करनी है उनको लिखते हैं। आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? टास्क टू परफॉर्म। उसके बाद आप करेंगे अपग्रेडेशन और लास्टली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद आएगी व्हाइल स्टेटमेंट और उसके अंदर आएगी कंडीशन। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे लगता है एक सेमी कोलन आफ्टर व्हाइल स्टेटमेंट, तो डू व्हाइल लूप में व्हाइल स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है? सेमी कोलन। तो ये होगी आपकी डू व्हाइल लूप। इनिशियलाइजेशन होगी, टास्क टू परफॉर्म होगी, अपग्रेडेशन होगी और कंडीशन चेकिंग होगी। देख लीजिए आपकी कंडीशन चेकिंग सबसे नीचे है, तो ऑब्वियसली एक बार तो आपकी लूप चलनी ही चलनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ आना चाहिए। अब आपको पता है जो ये पेयर ऑफ ब्रेसेस हैं, इनके बीच में जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज
ब्लॉक, तो ब्लॉक ये किसका है, डू वाइल का, तो इसलिए इसको बोल रहा हूं डू वाइल ब्लॉक। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको डू वाइल लूप का सिंटेक्स समझ में आ गया। अब करते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप, तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको पता है डू वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले भी कुछ स्टेटमेंट मेरे प्रोग्राम में आ सकती हैं, तो वो सारी डू वाइल लूप से पहले की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अब सबसे पहले होती है डू वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, तो सबसे पहले करेंगे इनिशियलाइजेशन, वो जरूरी है आपको पता है किसी भी लूप के लिए। उसके बाद आपकी पहले चलती है यहां लूप बॉडी, तो यहां देखिए डू वाइल लूप बॉडी, तो पहले चलेगी डू वाइल लूप, तो उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, टास्क टू परफॉर्म और अपग्रेडेशन, क्या काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आपकी मेन बात है कि कंडीशन चेक होगी, क्या चेक होगी, कंडीशन। तो ध्यान से देखिए, पहले आपकी लूप चल रही है उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड लूप। अब आपको पता है कंडीशन जो है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी लूप बॉडी दोबारा चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली आपकी लूप दोबारा नहीं चलेगी, और जितनी भी बाकी बची स्टेटमेंट है डू वाइल लूप के बाद वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी और फाइनली आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एक मेन इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करने लायक यहां पे जो है कि आपकी लूप बॉडी पहले चल रही है उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस इन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। कंसेप्ट डिटो सेम है, लगभग सिंटेक्स भी सेम सही है, बट वहां पे कंडीशन पहले चेक हो, बट वाइल लूप जो है वो प्री टेस्टेड लूप है, तो कंडीशन उसमें पहले चेक होती थी। डू वाइल लूप जो है पोस्ट टेस्टेड लूप है, उसमें कंडीशन बाद में चेक होगी। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो अब करते हैं फर्स्ट सैंपल प्रोग्राम ऑफ डू वाइल लूप। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सैंपल प्रोग्राम। तो फर्स्ट सैंपल प्रोग्राम को मैंने नाम क्या रखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग डू वाइल लूप। आपने 7 के फर्स्ट एन मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है किसी प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, आपको पता किस लिए होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए। उसके बाद वर्ड मेन, वर्ड मेन आपको पता है आपका मेन फंक्शन है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, तो ब्रेसेस ओपन। उसके बाद आपको पता होगा किसी भी प्रोग्राम में वेरी फर्स्ट काम होता है कि जितने भी वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको जरूरत पड़ेगी उन सबको डिक्लेयर करना। मैं जितनी भी लिस्ट मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उनको डिक्लेयर कर रहा हूं, होपफुली आपको समझ आ जाएंगे। तो मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल लिए हैं, एक आई मैंने लिया एज ए लूप काउंटर, ए मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, और एन मैंने लिया है फर्स्ट एन मल्टीपल पूछने के लिए। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको पता क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट का क्या काम है, इट विल वाइप ऑफ द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट आउटपुट। अब आपको पता है कि आपको 7 के फर्स्ट एन मल्टीपल प्रिंट करने हैं, तो फर्स्ट एन की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली वो मुझे किससे मांगनी पड़ेगी, यूजर से। तो यूजर से वैल्यू आप कैसे लेते हैं, कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से वैल्यू कौन पढ़ता है प्रोग्राम में, स्कैनएफ, और स्कैनएफ से पहले हमेशा एक स्टेटमेंट लिखी जाती है printf। तो printf क्या होती है, एक जस्ट एक मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो printf मैंने किया एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स रिक्वायर्ड ऑफ 7, विद 7 के कितने मल्टीपल्स आपको रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा, तो मैं उसको scanf से उठा लूंगा। ऑब्वियसली जो मेरा नंबर है वो एक इंटीजर है, इसलिए मैं परसेंटाइल डी यूज कर रहा हूं और n में डाल दिया ampersand के साथ, होपफुली को डाउट नहीं होगा। उसके बाद मुझे पता लग गया कि मुझे कितने मल्टीपल प्रिंट करने हैं, तो मैं यूज कर रहा हूं डू वाइल लूप इसके लिए। तो आपको पता है किसी भी लूप को स्टार्ट करने से पहले उसको करते हैं इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में ऑब्वियसली लूप काउंटर कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट मल्टीपल कौन होगा, 1, तो आई इज इक्वल टू 1, तो इनिशियलाइजेशन मैंने कर दी, और आपको पता है ये हमेशा आउटसाइड और प्रायर टू लूप होती है। उसके बाद मैंने लिखा डू, कीवर्ड है ये, ब्रेसेस स्टार्ट, डू वाइल लूप स्टार्ट होगी। अब मैंने क्या किया, जो 7 के मल्टीपल्स है जो मुझे प्रिंट करने हैं, मैं उनको टेम्परेली एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं ए में, तो ए में मैंने 7 इंटू आई, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू 1 है, तो 7 इंटू 1 7 स्टोर हो गया ए में। अब मुझे मल्टीपल जो है वो बार बार प्रिंट करने हैं, एक बार प्रिंट करने हैं, ऑब्वियसली मल्टीपल बार बार प्रिंट होंगे, तो इसलिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी लूप के अंदर आएगी। अब ध्यान से देखो यहां प्रिंट एफ स्टेटमेंट, अब सबसे पहले मैंने प्रिंट एफ में लिखा है backslash n, backslash n आपको पता क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर, तो ये स्क्रीन पे एक एंटर प्रेस कर देता, तो इट्स गुड कि आपकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी, एंटर हो जाएगा। उसके बाद 7 एज इट इज, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, एक्स मैंने लिया मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, उसके बाद परसेंटाइल डी, तो जैसे ही ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आए तो वो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट के बाद जाता है, और अगर फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर आए तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इसकी जगह कौन आएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू, तो उसके बाद है इक्वल एज इट इज, ये एज इट इज आएगा, उसके बाद फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आएगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, तो
पहले आपकी प्रिंट होगी आई की वैल्यू और फिर आपकी प्रिंट होगी ए की वैल्यू। तो ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट कर दिया आउटपुट को, वो आपकी मर्जी है आप करें ना करें, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। तो जहां परसेंटाइल डी लिखा होता है वहां पे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होती है, और जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां चीजें एज इट इज प्रिंट होती है। तो 7 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज और इक्वल का साइन एज इट इज प्रिंट होगा, और परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी की जगह आई और ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अब उसके बाद काम हो गया खत्म, प्रिंट हो गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट अपग्रेडेशन करूंगा, फिर ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद आएगी वाइल कंडीशन। तो वाइल में क्या लिखा मैंने, आई लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि मुझे एन मल्टीपल प्रिंट करने थे। ये सेमी कोलन या जरूर ध्यान रखिएगा, डू वाइल लूप में वाइल के बाद सेमी कोलन लगता है, वाइल लूप में नहीं लगता, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद गेट सी एच एंड फाइनली ब्रेसेस क्लोज। तो समझ में आ गया होगा होपफुली, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मैं इसी स्क्रीन पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको पता लगे कि हाँ प्रोग्राम चल कैसे रहा। अब सबसे बेस्ट तरीका किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, दैट इज यूजिंग पेन एंड पेपर। तो आप एक पेन लीजिए और पेपर पे जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो सबसे बेस्ट आपको समझ में आएगा कोई भी प्रोग्राम। तो कंपाइलर से तो कोई भी रन कर लेता है, उसमें फटाफट वो एरर बता देगा, वो आप फटाफट उनको एलिमिनेट कर दोगे या सॉर्ट आउट कर दोगे तो फटाफट हो जाएगा, बट पेन एंड पेपर से आपको एरर खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप खुद एग्जीक्यूट करें। तो मैं यहाँ एक एग्जीक्यूशन स्क्रीन ले रहा हूं और मैं साथ साथ इसको एग्जीक्यूट भी करूंगा। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कुंडो डॉट एच वर्ड मेन, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, आई ए और एन। तो ऑब्वियसली आई ए और एन तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, स्क्रीन साफ होगी तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे कुछ पड़ा होगा, तो इट विल बी गेट एलिमिनेटेड। उसके बाद प्रिंट एफ, तो सबसे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी, एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स रिक्वायर्ड ऑफ 7। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स रिक्वायर्ड ऑफ 7 एज इट इज। तो जो भी डबल कोट के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आता है, तो एज इट इज आया। तो मान लो मैंने इसको इनपुट दी 11, क्या दी 11, उसके बाद क्या करेगा स्कैन एफ जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनपुट को रीड करेगा और उसको किसमें डालेगा, एन में। तो एन में मैंने क्या डाल दिया, दैट इज 11, ठीक है। तो अब देखें आई की वैल्यू 1 है तो दैट इज गुड, आई में 1 डाल दिया। उसके बाद डू स्टार्ट हुआ, ब्रेसेस स्टार्ट, ए ए में मैंने डाला, आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर है हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो 7 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 इंटू 1 दैट इज 7, तो ए में आ गया 7, तो आई की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 7 है। उसके बाद प्रिंट एफ 7 इंटू परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी क्या कर रहा है, किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू, यहां परसेंटाइल डी किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ए की, तो आपको पता है ए की वैल्यू आई थी 7, तो ये प्रिंट कर देगा 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू यहां थी 1, अब यहां आई की वैल्यू होगी 2, होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आई की वैल्यू हो चुकी है 2। ब्रेसिस क्लोज, वो आया वाइल पे, तो वाइल में है आई की वैल्यू है 2 लेस देन इक्वल टू 11, तो 2 लेस देन इक्वल टू 11 ठीक है गलत है, 2 लेस देन इक्वल टू 11 ठीक है, तो इसका मतलब यस कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू तो इसका मतलब दोबारा चलेगी आपकी लूप। तो ठीक है वापस आए डू पे, तो आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो अब ए के अंदर क्या डालेगा, 7 इंटू 2 दैट इज 14, तो ये मैं डाला 14, तो ये दोबारा प्रिंट हुआ, तो ये प्रिंट हुआ 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, आई की वैल्यू 3, दोबारा फिर कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन दोबारा ट्रू है क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 11 है ही। दोबारा लूप चलेगी तो दोबारा 7 इंटू 3 21 हो जाएगा ए, तो दोबारा प्रिंट होगा तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, दोबारा कंडीशन ट्रू, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। फाइनली जब आपका 11 हो जाएगा यहां, तो 7 इंटू 11 77, तो आपकी वैल्यू प्रिंट हुई 7 इंटू 11 इक्वल टू 77। तो अब 77 प्रिंट करने के बाद चली आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू थी 11, तो अब इसने कर दी 12, तो हम गए वाइल कंडीशन के पास, तो 12 लेस देन इक्वल टू 11 ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है क्योंकि 12 जो है वो लेस देन इक्वल टू 11 नहीं होता, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो आपकी लूप बंद हो जाएगी। तो ये है आपकी लूप का तरीका, उसके बाद गेट सी एच चला और लास्टली ब्रेसेस क्लोज हो गए। तो दैट्स हाउ योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे एक बार, सो दैट यू विल गेट ना मोर गुड आइडिया अबाउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको ये प्रोग्राम समय आ चुका है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं सेकंड आउटपुट स्क्रीन ले रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स रिक्वायर्ड ऑफ 7। हमने क्लियर स्क्रीन यूज किया, ऑब्वियसली पिछली आउटपुट वाइप ऑफ हो जाएगी नेक्स्ट बार चलने से पहले। तो एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स रिक्वायर्ड ऑफ 7 मैंने डाल दिया, लेट्स सपोज 0, तो मैंने 0 डाल दिया, और आपको पता है 0 किसकी वैल्यू है, ये कहां रीड हुआ, एन में, तो एन की वैल्यू होगी 0। अब ध्यान से देखिएगा, एन की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं कंडीशन चेक करूं 1
लेस देन इक्वल टू जीरो, वन लेस देन इक्वल टू जीरो ट्रू है फॉल्स है, दैट इज फॉल्स। तो कंडीशन फर्स्ट टाइम में फॉल्स है, बट कंडीशन चेक कब होगी, आपकी लूप चलने के बाद। तो पहले आपकी लूप चलेगी, तो डू ठीक है, ए इज इक्वल टू सेवन इंटू आई, आई की वैल्यू वन है तो सेवन इंटू वन सेवन, तो ए की वैल्यू आ गई सेवन, तो प्रिंट एफ सेवन इंटू, आपको पता है यहां आई की वैल्यू प्रिंट होगी और यहां ए की वैल्यू, तो आई की वैल्यू वन है और ए की वैल्यू है सेवन, तो सेवन इंटू वन इज इक्वल टू सेवन प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू होगी आपकी टू, और फिर चेक हुआ टू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये फॉल्स हो गया, तो कंडीशन फॉल्स, तो यहां बंद हो गया। तो आप देख लीजिए आपकी कायदे से जो कंडीशन थी वो फर्स्ट स्टेज में ही फॉल्स थी, क्योंकि आपका एन जीरो था, तो फर्स्ट केस में ही वन लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं था, तो फर्स्ट केस में ही फॉल्स थी, स्टिल आपकी एक आउटपुट प्रिंट हो रखी है। तो दैट इज द मेन थिंग अबाउट डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो चलती चलती है, चाहे आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जाए। तो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट डू व्हाइल लूप। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लूप कम से कम एक बार जरूर चले, तो आप डू व्हाइल लूप यूज करें, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा, स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अब हम करेंगे सेकंड सैंपल प्रोग्राम। तो सेकंड सैंपल प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो प्रोग्राम टू रिपीट कैलकुलेटर टिल द यूजर वॉन्ट्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो जब तक यूजर चाहता है कैलकुलेटर को रिपीट करना है, तो कैलकुलेटर में मैं चार बेसिक ऑपरेशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पता है तीन बेसिक स्टेटमेंट आती है, उसके बाद जितने वेरिएबल जरूरत पड़ती है मैं वो डिक्लेयर करता हूं। मैंने यहां एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा किस लिए, बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन टाइप का। उसके बाद एक कैर टाइप का रिपीट एक वेरिएबल लिया है, तो कैरेक्टर वेरिएबल लिया है जो पता करेगा कि जो यूजर है वो कैलकुलेटर को रिपीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो क्लियर स्क्रीन, ऑब्वियसली जितने वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद हमेशा क्लियर स्क्रीन यूज करना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें प्रोग्राम में, कैलकुलेटर आपको तब तक रन करना है जब तक यूजर चाहता है, तो इसका मतलब बार बार रन करना है जब तक यूजर चाहता है। तो इसलिए मैं सारा काम डू व्हाइल लूप के अंदर कर रहा हूं। तो डू स्टेटमेंट लगी, ब्रेसिस ओपन, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने उसको मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, जस्ट मैंने दो नंबर मांग लिए। उसके बाद ऑब्वियसली जो भी दो नंबर एंटर किए होंगे मैंने उनको रीड कर लिया, किस किस में, दो इंटीजर फॉर्मेट में ए और बी में रीड कर लिया। उसके बाद मैंने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाई, यहां देख लीजिए डबल बैक स्लैश एन है, मतलब दो बार एंटर होगा तो दो लाइनें छूटेंगी, ठीक है। तो प्रेस वन फॉर एडिशन, तो मैंने मैसेज प्रिंट किया स्क्रीन पे कि आप वन प्रेस कीजिए अगर आपको एडिशन करनी है तो। उसके बाद प्रिंट एफ प्रेस टू फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रिंट एफ प्रेस थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस फोर फॉर डिवीजन। तो मैं यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो क्या करना चाहता है। तो वन टू थ्री फोर, मैंने चार ऑप्शन उसको दे दिए, वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन और फोर फॉर डिवीजन। और भी चाहे तो आप और भी ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं सारे ऑप्शन उसको दे चुका हूं, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो भी वो चॉइस एंटर करेगा वो मुझे रीड करनी है। रीड करेंगे हम स्कैनएफ से, और स्कैनएफ से पहले हमें एक आपको प्रिंटएफ जरूर लिखना है। तो मैंने प्रिंटएफ स्टेटमेंट लगाई, अगेन यहां देख लीजिए, यहां मैंने डबल बैक स्लैश एन लगाया, इसका मतलब दो एंटर लगेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर योर चॉइस, तो आप चॉइस एंटर कीजिए। तो ऑब्वियसली जो भी उसने चॉइस एंटर की वो मैंने चॉइस नाम के वेरिएबल में रीड कर ली, ठीक है, स्कैनएफ से। तो होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अभी प्रोग्राम आगे चलेगा, बट जो आपका प्रोग्राम है हम यहां तक पहले रन कर लेते हैं। तो मैंने एक आउटपुट स्क्रीन ली है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है प्रोग्राम में कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर हुए, उसके बाद क्लियर स्क्रीन हुआ, उसके बाद डू चला, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट। आपको पता है डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चलेगी, तो स्क्रीन पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एंटर टू नंबर्स। मान लो मैंने एंटर कर दिए फाइव एंड एट, दो नंबर एंटर कराने थे, मैंने फाइव और एट एंटर कर दिए। उसके बाद तो अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उससे पहले दो बैक स्लैश एन है, मतलब आपके दो बार एंटर लगेगा। तो एक बार एंटर से यहां आएगा, और फिर एक बार एंटर से एक लाइन छूट जाएगी। तो मेरे स्क्रीन पे आएगा प्रेस वन फॉर एडिशन, नेक्स्ट लाइन में आएगा प्रेस वन फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रेस फोर फॉर डिविजन। तो ये सारे कुछ आएंगे, उसके बाद मैं चॉइस पूछ रहा हूं अगेन एक लाइन छोड़ के, तो एंटर योर चॉइस, भाई चॉइस एंटर करो कि क्या करना है आपको, वन टू थ्री फोर जो भी आप चाहते हैं। मान लो मैंने चॉइस एंटर की टू, इसका मतलब मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन। तो अब आपके पास चॉइस की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, चॉइस वेरिएबल की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, चार, वन टू थ्री फोर। तो मैंने बताया था अगर किसी वेरिएबल के आपके पास मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल हो, तो या तो आप एलसीफ लेटर यूज कीजिए या आप स्विच स्टेटमेंट यूज कीजिए। तो मैं यहां यूज करूंगा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट
अब आपको बताया आपको कैलकुलेशन जो है वो बार बार करनी है, तो ऑब्वियसली जो स्विच स्टेटमेंट है वो भी लूप के अंदर ही आएगी। तो मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाई और चॉइस नाम का वेरिएबल उसको एज ए आर्गुमेंट दे दिया। तो आपको पता है स्विच में ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं, उसके बाद चॉइस की जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो एज ए केस लेबल आती हैं। तो केस कीवर्ड है। अब आपको पता है वन लेबल किस लिए था, एडिशन के लिए। तो मैंने प्रिंट एफ स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के अगेंस्ट क्या प्रिंट होता है, जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो वेरिएबल क्या प्रिंट हुआ स्क्रीन पे, ए प्लस बी। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है हर केस लेबल में ब्रेक स्टेटमेंट आती है। उसके बाद सिमिलरली केस टू आपको पता है आपको सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन प्रिंट की ए माइनस बी। मैं मान के चल रहा हूं कि ए माइनस बी करना है, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, वो आपके ऊपर है कि आपने पूछ भी सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मैंने प्रिंट कर दी ए एस्ट्रिक बी। उसके बाद मैंने डिवीजन प्रिंट कर दी, अगेन मैं मान के चल रहा हूं कि जो फर्स्ट नंबर है उसी को डिवाइड करना है सेकंड नंबर से, तो ब्रेक लगा दिया। और ऑब्वियसली आपके चारों केस लेवल लिस्ट अप हो चुके हैं। आपको पता है स्विच में आप जितने भी केस लेवल आपके आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू पुट ए डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या करती है, अगर कोई भी केस लेवल मैच ना हो तो कम से कम वो उसको हैंडल कर लेगी। तो ऑब्वियसली अगर कोई केस लेवल मैच नहीं होगा, इसका मतलब यूजर ने ना तो वन डाला, ना टू डाला, ना थ्री डाला, ना फोर डाला, इसका मतलब यूजर ने कोई और नंबर डाल दिया। तो मैंने प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट कर दिया, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो दैट्स ऑलवेज गुड। तो अब होगी स्विच स्टेटमेंट बंद। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, होपफुली समय आगे होगी। तो अब ये काम हो चुका है, यानी जो भी उसने ऑपरेशन दिया था या चॉइस दी थी वो आपने प्रिंट कर दी। बट आपको यूजर से बार बार पूछना है कि आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा मैसेज प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ, डू यू वॉन्ट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, तो प्रेस येस और नो। तो वाई फॉर येस और नो, एन फॉर नो। तो मैं पूछ रहा हूं कि दोबारा आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यूजर के हिसाब से चलना है कि जब तक आपका यूजर कैलकुलेटर यूज करना चाहता है तब तक हम कैलकुलेशंस को रिपीट करते रहें। तो ऑब्वियसली मुझे बार बार पूछना पड़ेगा, इसलिए इसको भी मैंने लूप के अंदर ही लिखा है। तो प्रिंट एफ, डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, तो वाई ऑन एन। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज एफ फ्लश एसटीडीआईएन। तो एफ फ्लश का मतलब होता है साफ कर देना। तो साफ किसको करना है, एसटीडीआईएन। एसटीडीआईएन का मतलब होता है, एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, इनका मतलब होता है इनपुट डिवाइस। तो आपके किसी भी कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, दैट इज कीबोर्ड। तो एफ प्लस एसटीडीआईएन क्या करता है, आपके कीबोर्ड के बफर को वाइप ऑफ कर देता है। इसका फायदा हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल नहीं। तो ऑब्वियसली उसके बाद यूजर जो है वो कोई ना कोई इनपुट एंटर करेगा, या तो वो वाई प्रेस करेगा या एन प्रेस करेगा। तो ऑब्वियसली जो भी कीबोर्ड में वो प्रेस करेगा वो आपको रीड करना पड़ेगा। तो मैं रीड करूंगा स्कैनएफ स्टेटमेंट से, और उसको मैं डाल रहा हूं रिपीट नाम के वेरिएबल में, और ये करेक्टर वैल्यू है, तो इसलिए मैंने परसेंटाइल सी यूज किया है। होपफुली समय आ गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप करेक्टर रीड करते हैं इट्स ऑलवेज गुड कि आप उससे पहले ये लाइन लिखें, एफ प्लस एसटीडीआईएन। तो ये क्या करती है, कीबोर्ड के बफर को साफ करती है। तो अगर कीबोर्ड में गलती से कोई पेंडिंग करेक्टर पड़ा होगा तो उसको वाइप ऑफ कर देगी। तो जो भी आप वाई और एन प्रेस करेंगे वही रीड होगा, ना कि कुछ और रीड होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं चेक करूंगा कि भी यूजर ने एंटर क्या किया है, वाई एंटर किया या एन एंटर किया। अगर वाई एंटर किया है तो मैं इस लूप को दोबारा चलाऊंगा, और अगर एन एंटर किया है तो मैं इस लूप से एग्जिट हो जाऊंगा। तो मैंने वो कंडीशन डाल ली है वाइल स्टेटमेंट में। तो मैं रिपीट की वैल्यू चेक कर रहा हूं कि रिपीट यूजर ने क्या डाला है, वाई डाला है या स्मॉल वाई डाला है। दोनों में से कोई भी डाला होगा तो ऑब्वियसली लूप सेटिस्फाई होगी एंड आई विल रिपीट द लूप। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो वाई कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो हमें यूजर पे ज्यादा बिलीव नहीं करना, तो हो सकता है यूजर ने कैपिटल वाई डाला हो या स्मॉल वाई डाला हो। तो इट्स ऑलवेज गुड कि प्रोग्रामर इस बात का ध्यान रखे कि यूजर आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, हो सकता है उसको अपर केस लोअर केस के बारे में ज्ञान ही ना हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कैपिटल वाई भी लिखा है और स्मॉल वाई भी लिखा है। तो अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड एंड लूप विल बी रिपीटेड अगेन। अगर उसने कैपिटल वाई या स्मॉल वाई कुछ भी एंटर नहीं किया तो ऑब्वियसली लूप सेटिस्फाई नहीं होगी, और लूप सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बंद हो जाएगी लूप। ठीक है, लास्टली गेट सी एच एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब बाकी पेंडिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब तक हम कर चुके हैं इतना काम, तो सबसे पहले दो नंबर एंटर कराए थे 5 और 8, हमने ए और बी में उनको रीड कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑप्शन उसको पब्लिश किए थे, उसके बाद उससे चॉइस पूछ ली थी। टू चॉइस जो है वो आपकी केस लेवल 2 से मैच होती है, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैं मैसेज प्रिंट किया होगा स्क्रीन पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ नंबर इज 5 माइनस 8। 5 माइनस 8 आपको पता है -3, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये स्विच चल गया, खत्म हो गया। उसके बाद स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, डू यू वॉन्ट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, प्रेस वाई और एन।
तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। मान लो मैंने y एंटर किया, तो जैसे ही मैंने y एंटर किया कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, इसका मतलब कंडीशन ट्रू और इसका मतलब दोबारा आपकी लूप चलेगी। अब क्योंकि आपकी while कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब आपकी लूप दोबारा चलेगी, तो do while लूप दोबारा चलेगी। तो पहले हम अब तक जितनी आउटपुट लिख चुके हैं वो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो अब तक ये लिखा था, दो नंबर मांगे थे आपको, ऑप्शंस दिए थे, उसने चॉइस एंटर की थी टू, तो मैंने सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर दी और यूजर ने दोबारा एंटर किया था यस हाँ आई वांटेड टू कंटिन्यू, तो दोबारा लूप चलेगी। तो सबसे पहले प्रिंट एफ दोबारा होगा, एंटर टू नंबर्स नेक्स्ट लाइन में, तो आपने मान लो एंटर कर दिए 13 और 10, उसके बाद वो ए और बी में अपडेट हो गए। उसके बाद आपने चार ऑप्शन प्रिंट कर दिए, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और प्रेस 4 फॉर डिवीजन। उसके बाद आपने पूछ लिया एंटर योर चॉइस, तो होपफुली आपने चॉइस एंटर की, मान लिया आपने चॉइस एंटर की 3, तो मैंने स्कैन एफ से उसको चॉइस नाम के वेरिएबल में रीड कर लिया। अब क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने चॉइस डाला है 3, तो इसका मतलब आपकी केस 3 चलेगा, केस 3 में होनी है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगी। तो अब देखते हैं अब तक की क्या आपकी आउटपुट थी, तो आपकी आउटपुट थी ये, तो आपने चॉइस क्या एंटर की थी 3, तो 3 में होना मल्टीप्लिकेशन, तो प्रिंट हुआ स्क्रीन पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर, नंबर थे 13 एंड 10 और मल्टीप्लिकेशन आएगी 130, तो 130 प्रिंट हुआ। अब उसके बाद आप दोबारा यूजर से पूछेंगे कि डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, दोबारा कुछ काम करना है क्या, प्रेस वाई और एन। मान लो यूजर ने इस बार एंटर कर दिया एन, तो जैसे ही यूजर ने एन एंटर किया तो ऑब्वियसली हमें लूप को आगे नहीं बढ़ाना, लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लूप विल बी टर्मिनेटेड, तो लूप होगी खत्म, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप होगी खत्म। उसके बाद चलेगा गेट सी एच एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, तो होपफुली समझ आ गया। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू प्रोग्राम, थोड़े से लेंथी जरूर थे बट ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएंगे, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड स्टार्ट डिस्कसिंग योर मैक्सिमम डाउट, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।